कल इंस्टाग्राम पे काफी मैं इसको देख रही हूँ फोर टोटल आपको फोर नाइफ दिया जा रहे हैं और मुझे लगता है गत्ते को ठीक है हेलो विवान वेलकम बैक टू आवर चैनल होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे तो आप लोगों को मीशो के किचन के गैजेट्स देखना बहुत ज्यादा पसंद है और काफी टाइम हो गया कि मीशो के गैजेट्स का हॉल मैं नहीं लेकर आ रही थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मीशो पे फटाफट से कुछ न्यू अराइवल आ जाए और बहुत अमेजिंग चीजें दिख गई मुझे मीशो पे जो अभी से पहले मैंने खुद भी यूज नहीं की हुई सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट okay. तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट से एंड आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने ही बेसिकली ना लाइटर है यूएस चार्जिंग लाइन इसमें साथ दे रखा है ठीक है और मैंने अभी से अभी से पहले जब मैंने उसको देखा नहीं था तो सच बताओ मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ मार्केट में आ चुका है लेकिन जब दिखा सो आई थॉट कि लिया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए ये लाइटर ठीक है और ये रिचार्जेबल लाइटर है आप इसको एक बार यहाँ से चार्ज कर लोगे यहाँ से तो ठीक है आप इसको एक बार चार्ज कर लोगे गे दो महीने तक आपका ये बहुत इजीली चलेगा जो मैंने इसके बारे में रिव्यू पढ़े थे ठीक है और ये देखो अभी ये ना फुल चार्ज होकर आया है फुल चार्ज है आप इससे गैस जला सकते हो या फिर अगर आपके घर में चूल्हा है उसे जलाने में प्रॉब्लम होती है आपको ऐसे जो मतलब यू नो फूक मार के ऐसे जलाते हैं मैंने वीडियोज में देखा उसे भी ये इजिली जला दे रहा है घर में आपको कोई दीपक जलाना है आप उसको भी जला सकते हो ये देखो अगर आपको दिख रहा हो इसको पहले हम यहाँ से ऑन करेंगे ठीक है देन उसके बाद ये यहाँ से जो है आपको दिख रहा होगा ये देखो ठीक है तो तो ऐसे जलेगा तो काफी मुझे अच्छी और यूनिक चीज लगी और करना नहीं चाहिए लेकिन मैं हल्का सा ये जला के देखती हूँ गत्ता ओके okay, गाइस ये देखो एक ही बार में जला दे रहा है गत्ते को ठीक है <laughs> मैं रूम में बैठी हूं मैं इसको जला सकती नहीं हूँ तो देख लो आपके सामने कितना इजीली इसने इसको जला दिया है चार्ज खत्म हो जाता है यहाँ पे आपको देखो फोर लाइट फाइव लाइट्स दे रखी है और चार्ज ऐसे ही खत्म होगा ये लाइट्स कम हो जाएगी आपको बस इसको चार्ज कर लेना है और आपको आराम से डेढ़ दो महीने चल जाएगा फ्लेक्सिबल है ये इससे घर का दीपक कुछ भी कुछ भी आपको ऐसे जलाने वाला करना है ना आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो और सबसे अच्छा मुझे लगा ट्रैवल पर्पज के लिए अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो और आप ऐसे यू नो पहाड़ों में जाके ऐसे ट्रेकिंग करते हो और आप वहीं पे इंटरेस्टेड मतलब आप अगर ट्रेवल पर्सन हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा

ठीक है और ये क्या होने वाला है आप देख लो पिक्चर में क्या है बेसिकली मुझे शेक्स बनाना स्मूदी बनाना जूसेस बनाना और पीना बहुत ज्यादा पसंद है तो आजकल ना काफी ट्रेंड चल रहा है वाटरमेलन को ऐसे दूसरे तरीके से कट करने का यूज़ुअली जो भी हम नाइफ से करते हैं वैसे नहीं ऐसे कुछ ऐसे बॉल्स में कट करने का ठीक है आप कोई भी फ्रूट हो गया मैंगो हो गया किसी को भी इससे कट कर सकते हो दोनों साइड से आप कट कर सकते हो और उससे बहुत अमेजिंग डेकोरेशन कर सकते हो अपने बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो इट्स टू यू कि आपको इसका कैसे यूज करना है पिक्चर देख लो और या आप स्मूदी वगैरह बनाते हो रोबजा बनाते हो तो आप उसमें इससे वॉटरमेलन कट करके छोटे छोटे साइज में से बॉल्स टाइप में कट होंगे और आप उसमें डाल सकते हो डेकोर किया हुआ भी बहुत अच्छा लगने वाला है और अगर आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो आप यू नो इससे कट करके वो बहुत क्यूट क्यूट लगने वाले हैं हो सकता है इसका लालच देख वो लोग खा लें बाकी आप देख लेना कैसे यूज करना है मैंने तो बेसिकली जूसेस वगैरह बनाती हो तो मुझे उसमें वाटरमेलन इस तरीके से कट करके डालना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एमेजोन पे भी अवेलेबल है मीशो पे भी अवेलेबल है और इधर देखो ये छोटा साइज आपको दे रखा है ठीक है ये थोड़ा छोटा साइज है और इस साइड आपको थोड़ा बड़ा साइज दे रखा है तो बहुत ही अच्छा समर के लिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट आया है आप देख लेना आपको ऐसा तो चलते हैं आज के नेक्स्ट पार्सल पे देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है किस प्रोडक्ट होने वाला है हमारा इसमें करते हैं इसको साथ में अनबॉक्सिंग एंड लिट्सी किस इसमें क्या है नेक्स्ट मैंने मंगवाया है एग कटर ठीक है टू इन वन इस पे लिखा हुआ है ये टू इन वन एग कटर है और इस तरीके से कुछ कट करेगा यहाँ पे आपको जो है अपना एग रखना है या यहाँ पे आपको एग रखना है दोनों तरीके से ठीक है यहाँ पे अगर आप रखोगे अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने ये लगा कर दे रखी है तो आपका प्रॉपर कुछ इस तरीके से कट के आएगा ठीक है मतलब इन्होंने ना पिक्चर लगाई हुई है कि किस तरीके से कटेगा तो ये टू इन वन कटर है यहाँ पे रख के आप कुछ इस शेप में भी काट सकते हो अगर आपको प्रॉपर स्लाइस शेप में चाहिए और अगर आपको एकदम पतला चाहिए तो आप इससे काट सकते हो और नाइफ से हम कितनी भी कोशिश कर लें काटने की वो प्रॉपर पीसिस में नहीं कटता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इससे प्रॉपर ना पीसीस में कटेगा और सर्व किया हुआ अगर आपके पर घर पर कोई आ रहा है या फिर आप खुद भी एक खाते हो ब्रेकफास्ट में लेते हो तो इससे प्रॉपर कट किया हो ना काफ़ी अच्छा लगेगा यूजअली एग बॉयल करने के बाद ना जो उसका अंदर का येलो वाला पार्ट होता है ना वो एकदम अलग हो जाता है तो वो फिर मज़ा सा नहीं आता सर्व करने में या किसी के सामने खाने में तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी काफ़ी यूज़फुल लगी सो आई थॉट कि परचेज़ की जाए आपको दिखाई जाए एम लिखा हुआ है इसमें वन डबल नाइन लेकिन ये वन डबल नाइन की नहीं है किस प्राइस में मिली है यहाँ पे मेंशन है और इस पे लिखा हुआ है एकदम लाइट वेट है लाइट वेट एंड पोर्टेबल इजी टू इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली अगर आप कहीं ट्रिप वगैरह पे भी जा रहे हो तो आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो और यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है कि एक किस किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कट ओके गाइस तो चलते हैं आज के नेक्स्ट पार्सल पे देख लेते हैं नेक्स्ट हमने क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है वाला इसमें और आई डोंट नो इसमें क्या है जो भी है बहुत ज्यादा हैवी है यार इसमें ओके सो नेक्स्ट आप पिक्चर देखो मैंने क्या मंगवाया था चापड़ सा मैंने ये पता नहीं क्या ही मंगवा लिया है तो ये मैंने नाइफ मंगवाए हैं टोटल इसमें चार नाइफ हैं एक चॉपिंग बोर्ड है मतलब मेरे यहाँ पे तो चॉपिंग बोर्ड का ही प्राइस टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी रुपीज़ है ठीक है और इसमें आपको एक ये सीजर दी जा रही है ठीक है सीजर का टू इन वन यूज होता है ये यहाँ से भी यूज होगा यहाँ से भी ठीक है फर्स्ट ये सीजर दी जा रही है नेक्स्ट आपको ये नाइफ दिए जा रहे हैं मुझे तो बहुत ध्यान से दिखाना पड़ेगा ये ठीक है काफ़ी शार्प वाले नाइफ हैं एक ये वाला नाइफ है सेकंड ये वाला नाइफ है ठीक है नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है कुछ ये बड़े वाला नाइफ ठीक है इसके बाद आपको ये कुछ दिया जा रहा है अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है यू नो फिश बनती है चिकन बनता है तो आप इसको काफ़ी तरीके से यूज कर सकते हो या फिर अगर आपके घर में कटहल वगैरह भी बनता है उसको कट करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो टोटल आपको वन टू थ्री एंड फोर टोटल आपको फोर नाइफ दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है एक ही नाइफ अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना अच्छा वाला नाइफ काफी अच्छा वाला नाइफ है तो आपको सिक्सटी सेवेंटी रुपीज का मिलेगा ठीक है अब आप देख लो इस प्राइस में यहाँ पे प्राइस मेंशन है कितनी कम कितने कम प्राइस में आपको ये चार नाइफ विथ चॉपिंग बोर्ड मिल रहे हैं चॉपिंग बोर्ड भी काफी अच्छा वाला होने वाला है ठीक है तो मुझे काफी अच्छा लगा और वैसे भी नाइफ जो है ना मेरे को थोड़े शार्प वाले चाहिए थे काफी शार्प वाले हैं फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए शार्प नाइफ चाहिए थे मुझे इतने कम प्राइस में आपको चार नाइफ तो दिए जा रहे हैं विद चॉपिंग बोर्ड एंड साथ में सीजर भी दी जा रही है जो काफी किचन में यूजफुल चीज में रहती है और कुछ लोग ना बोलते हैं कि मतलब किचन में जो है सीजर का क्या काम है यार देखो ग्रीन चिली जैसे आपको हरी मिर्च काटनी होती है भिंडी काटनी होती है और भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो लोग नाइफ से काटते हैं तो उसकी वजह से कुछ लोगों के हाथों में एलर्जी भी हो जाती है जैसे हरी मिर्च नहीं काटनी चाहिए हाथ से तो उन चीजों के लिए आप सीजर का यूज करो किचन में सीजर का यूज किया जाता है गाइस अगर आप नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो और करते हो तो करते हो देन वेल एंड गुड ठीक है सो ये पूरा सेट है मुझे काफी अच्छा लगा okay गाइस तो चलते हैं आज के नेक्स्ट पार्सल पे देख लेते हैं नेक्स्ट हमने क्या मंगवाया था और हमें क्या इसी हुआ है पार्सल होने वाला है हमारा इसमें करते हैं इसको भी साथ में अनबॉक्सिंग एनल्सी किस में क्या है कल इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैं इसको देख रही हूँ सो आई thought कि इसको चलो मंगवा ही लिया जाए ये बेसिकली क्लिनिंग के लिए है आप अपने से स्टोव की क्लिनिंग कर सकते हो पूरी किचन की क्लिनिंग कर सकते हो आप बर्तन धोते हो उसके बाद आप पूरे सिंक की क्लिनिंग कर सकते हो आपको क्या करना है इसके अंदर आपको अपना लिक्विड डालना है जो भी आप यूज़ करते हो ठीक है देन आपको बस इसको ईजिली यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देना है ठीक है आप प्रेस करते जाओगे जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ से जो है आपका लिक्विड बाहर आ जाएगा यहां से आपका लिक्विड बार आएगा देन आपको इस तरीके से अच्छे से आप स्टोव क्लीन कर लो आप जैसे सिंक में आपने बर्तन धोया आप उसको क्लीन कर लो आपके आस पास टाइल्स लगे हैं आप उसको क्लीन कर दो तो इससे क्लीन करना बहुत ईजी रहता है जो दूसरा सिल्वर वाला आता है उससे हाथ जो है वो कट वगैरह लग जाता है तो ये बहुत ईजी है और काफी शार मतलब काफी हार्ड है इसके ब्रिसल्स तो अच्छे से चीजें जो है वो क्लीन हो पाएगी टैप क्लीन कर सकते हो अपने किचन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट लगा मुझे और बहुत ही सस्ता मिल गया ठीक है तो मैंने आपको इसके काफी सारे यूज बता दिए जाके ले लेना चलते हैं आज के नेक्स्ट पार्सल पे देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या मैंने मंगवाया और हमें क्या इसी हुआ है गाइस क्या गाइस तो नेक्स्ट जो है वो आप इसकी पिक्चर देखो एंड यहीं से आप समझ गए होंगे कि क्या है ये बेसिकली गार्लिक प्रेस करने के लिए है और काफी हैंडी प्रोडक्ट है ये भी आजकल Instagram पे काफी दिखने को मिल रहा सो तो आई थॉट कि दिखाया जाए आप लोगों को ये देखो कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको बस गार्लिक रखना है और इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है अगर आप काटना पसंद नहीं करते हो तो ठीक है तो आप बस इस तरीके से हम उसको प्रेस करेंगे गार्लिक जो है अच्छे से कट जाएगा यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कितने अच्छे से जो है आपका वो गार्लिक जो है वो कट जाएगा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील है बहुत ही यूजफुल है और मुझे काफ़ी हैंडी लग रहा है ये प्रोडक्ट गार्लिक कट करना बहुत इजी हो जाएगा इससे अगर आपको लगता है कि आपके यूज का है तो आप ले लो मुझे लगा कि मेरे किचन में चाहिए क्योंकि यार अगर आपको थोड़ा सा खाना बनाना है तो फटाफट कर लो उसको कट अगर आपको कई बार आपके घर में गेस्ट आ रहे होते हैं और आपको काफी सारा खाना बनाना होता है और सबसे मेन इन्ग्रीडियंट जो होते हैं वो गार्लिक और अनियन टोमेटो यही सब सबसे इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो होते हैं सो आई थॉट कि मंगवाया जाए गार्लिक कट करने में टाइम ना वेस्ट किया जाए फटाफट रखें और उसको प्रेस करें ठीक है तो आप इसके साथ जाना चाहो तो जा जैसे चलते हैं आज के लास्ट पार्सल पे बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं लास्ट हमने क्या मंगवाया था और हमें क्या रिसीव हुआ है मेरा इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है एग्जेक्टली प्लीज इस इसका मुझे बहुत वेट था ये देखो ये क्या मैंने मंगवाया है मैंने ना कुछ दिनों पहले खा लिए है आपे अपे आपे जो भी कहते हैं आपे कहते हैं आई थिंक ठीक है तो बस मुझे तब से चढ़ गया सुरूर कि मुझे वो घर पे बनाने हैं क्योंकि मुझे ना बहुत हेल्दी लगे ठीक है प्लस बहुत टेस्टी लगे सूजी और दही के बनते हैं वो जो बनाते हैं उन्हें पता है तो कमेंट करना जो जो बनाते हो ठीक है जो नहीं बनाते हैं उन्हें बता दूँ सूजी और दही के बनते हैं जो मैंने चेक किया और उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी हम डाल सकते हैं अनियन टमाटो कैप्सिकम सो इसमें बनेंगे बहुत छोटे छोटे से बनते हैं और मुझे बड़े प्यारे से लगे वो खाने में प्लस टेस्ट में भी और दिखने में भी काफी क्यूट से लग रहे थे सो आई थॉट कि मंगवाई जाए मीशो से और इस पे बना के देखे जाए कि कैसे बनते हैं मैं डेफिनेटली बनाऊंगी और अपने ब्लॉग चैनल पर शेयर भी करूँगी ठीक है इसमें साथ में आपको क्या आया है ये दी गई है ये आई थिंक ना जब आप पे जो है वो एक साइड से सीख जाएंगे तो उसको दूसरी तरफ डालने के लिए है आपको क्लीनिंग करने के लिए दी गई है यूज करने के बाद आप इससे वॉश करो ताकि आपका कुछ भी चिपका हुआ ना रह जाए ठीक है अब देखो ऐसी चीजों के लिए ना ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट होने वाला है ताकि आप अंदर से अच्छे से क्लीन हो पाएगा ठीक है और इसको कवर करने के लिए ये आपको लिड दी गई है और इसके ऊपर जो है वो ये हमें साथ में लिड के लिए दिया गया है इसके ऊपर ये जो हमें लगाने के लिए लिड पे दिया गया है ठीक है पेज के साथ इसको हम लगाएंगे पूरा ये तो काफी महंगा लग रहा था मीशो पे सर्च किया तो मीशो पे बहुत कम प्राइस में था तो आई थॉट मीशो से ये मंगवाया जाए क्योंकि अभी मुझे फर्स्ट टाइम ट्राई करने आप पे लच्छी की कैसे बनते हैं ये थी मेरी आज की वीडियो सारे ही प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत यूजफुल है और मेरे किचन में बहुत काम आने वाले आई होप आपके लिए भी यूजफुल हो जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे फटाफट से जाके मंगवा लो ताकि स्टॉक आउट ना हो क्योंकि ऐसी सस्ती और अच्छी चीजें बहुत जल्दी स्टॉक आउट होती है और इसको तो मैं बोलूंगी जरूर ले लो बहुत काम आएगा दुआएं दोगे गए जो जो लोगे ठीक है सो so, ये थी मेरी आज की वीडियो आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी हो अच्छे लगने के साथ साथ आपके लिए हेल्पफुल भी हो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट, शेयर सब्सक्राइब करके जाओ ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए नेक्स्ट आपको पता चले बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना मिलती हूँ तीन बजे में आपसे ब्लॉग चैनल पर तब तक के लिए बाय टेक लव यू